बीजासन टेकरी पर घायल बुजुर्ग महिला का एक वीडियो वायरल होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इंदौर कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेकर महिला को इलाज के लिए MY पहुंचाना चाहा तो महिला ने MY जाने से मना कर दिया। इस पर कलेक्टर बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल भिजवाए। बीजासन टेकरी पर बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल होने पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिन्हा ने संज्ञान लेकर इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि महिला की सूचना मंदिरों में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा दी गई थी। इंदौर कलेक्टर ने जब महिला को इलाज के लिए MY भेजना चाहा तो महिला ने MY जाने से साफ इनकार कर दिया और बोली कि MY में ही मेरी ये हालत हुई है। बुजुर्ग महिला के पैरों में गंभीर घाव है। बुजुर्ग महिला कुछ दिनों पहले ही MY से इलाज कराकर आई थी, जहां पर बिना इलाज किए ही अस्पताल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। कलेक्टर ने इस विषय पर MY के डीन PS ठाकुर से भी बात की है और निगम अपर आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं। इसमें अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था मैंने वीडियो और तत्काल उसमें अरविंदो सेम्स की एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई थी और डॉक्टर भंडारी से मेरी बात हो गई है और उसके पैर में ये बात सही है कि उसके पैर में जो वीडियो में दिख रहा है बड़ा ख़राब सा दृश्य हो और डॉक्टर भंडारी ने देखा है उसको और उन्होंने बोला है कि इसका उपचार बड़ी ईजिली हो सकता है। पहले ये वृद्धा MYH में रही है, ये इसका उपचार हुआ है। मैंने डॉक्टर ठाकुर जो MY के सुप्रिटेंडेंट हैं उनको मैंने बोला है कि पता लगाएं कि इस वृद्धा का ट्रीटमेंट कब से कब तक MYH में रही है, किन डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया है इनका और किस हालत में आई थी और किस हालत में निकली है। क्योंकि वृद्धा के जो वीडियो में एक समझ में आ रहा है कि वो MYH जाना नहीं चाह रही थी, वो कहीं ना कहीं MYH में उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ या जो भी व्यवहार ठीक से नहीं हुआ तो डरी हुई थी वहाँ से, तो इसीलिए उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा है और डॉक्टर भंडारी उसकी विशेष केयर कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं कि इस केस को हम अभी इमीडिएटली OT में ले लिया है उन्होंने और हम कह रहे थे पूरा इसका पैर अच्छे से साफ करके और इसको हम ट्रीट कर देंगे, सुरक्षित इसको हम इलाज इसका हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी मैं ये जाँच करा रहा हूँ कि बीजासन में जहाँ से इसको एम्बुलेंस लिफ्ट कराया गया है वहाँ किस प्रकार से वृद्ध महिला आई हैं और इसके पहले कहाँ थी, ये भी पता चला है कि वल्लभ नगर में इनका घर था, वहाँ से फिर ये बड़ा गणपति के पीछे शिफ्ट हुई, वहाँ फ्लैट था। जो भी प्रारंभिक हमने जो जांच की है उसमें मालूम पड़ा है इनके फ्लैट पे इनके किसी अन्य रिलेटिव ने कब्जा कर लिया है। इनकी मदर की डेथ हो गई थी, करीब 85 साल उम्र दिख रही है इनकी और इनकी किसी अन्य रिलेटिव द्वारा कब्जा कर लेने से ये घर से विहीन हो गई हैं। तो इनको अभी ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं इनका पूरा और इनको फिर ट्रीटमेंट करा के इनको वृद्धाश्रम में रखेंगे और वृद्धाश्रम में पूरी केयर की जाएगी, खाना पीना अच्छा देंगे, इनको पूरी केयर की जाएगी इनकी।